हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ज्ञान चैनल में फिर आप सभी का स्वागत है। आप सभी कभी ना कभी शॉपिंग जरूर किए होंगे स्टूडेंट्स, या फिर शॉपिंग जरूर करते होंगे रोज। तो आज हम आपके लेकर आए हैं शॉपिंग से रिलेटेड कुछ इंग्लिश वर्ड्स और उनके हिंदी मतलब। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो शॉपिंग से रिलेटेड पहला इंग्लिश वर्ड है खुद शॉपिंग। शॉपिंग का हिंदी मतलब होता है खरीदारी या फिर बाजार करना या फिर खरीदारी करना। शॉपिंग का हिंदी मतलब होता है शॉपिंग का हिंदी मतलब खरीदारी करना या फिर बाजार करना। दूसरा इंग्लिश वर्ड है ग्रोसरी। ग्रोसरी का हिंदी मतलब होता है किराना या फिर किराना दुकान। ठीक है स्टूडेंट। अगला इंग्लिश वर्ड है बास्केट। बास्केट का हिंदी मतलब होता है टोकरी, वही टोकरी जिसमें आप सामान वगैरह रखते हैं। तो बास्केट का हिंदी मतलब होता है टोकरी। वहीं अगला इंग्लिश वर्ड है ट्रॉली। ट्रॉली का हिंदी मतलब होता है ठेला या फिर छोटा गाड़ी सामान रखने का। ठेला या फिर सामान रखने का छोटा गाड़ी। ठीक है स्टूडेंट। अगला इंग्लिश वर्ड है कार्ट। कार्ट का मतलब भी गाड़ी होता है, छोटा गाड़ी जिसमें सामान रखा जाता है। कार्ट का भी हिंदी मतलब वही होता है, छोटा गाड़ी जिसमें सामान रखा जाता है। शॉपिंग से रिलेटेड अगला इंग्लिश वर्ड है एसलेस। एसलेस का हिंदी मतलब होता है खरीदारों का रास्ता। एसलेस का हिंदी मतलब होता है रास्ता, लेकिन स्पेशली खरीदारों का रास्ता। ठीक है स्टूडेंट। अगला इंग्लिश वर्ड है शॉपिंग असिस्टेंट, मतलब सॉरी शॉप असिस्टेंट। शॉप असिस्टेंट का हिंदी मतलब होता है विक्रेता सहायक। शॉप असिस्टेंट का हिंदी मतलब होता है विक्रेता सहायक। वहीं सेल्स क्लर्क। सेल्स क्लर्क का हिंदी मतलब होता है बेचने वाला या फिर विक्रेता या फिर विक्रयी। अगला इंग्लिश वर्ड है सेक्शन। सेक्शन का हिंदी मतलब होता है अनुभाग या फिर खंड या फिर भाग। ठीक है स्टूडेंट। स्पेशल ऑफर्स। स्पेशल ऑफर्स का हिंदी मतलब होता है विशिष्ट प्रस्ताव या फिर सुझाव या फिर पेश करना। डिस्काउंट। डिस्काउंट का हिंदी मतलब होता है छूट या फिर बट्टा या फिर रकम में कमी। अगला इंग्लिश वर्ड है चेकआउट। चेकआउट का हिंदी मतलब होता है जाँच करना। चेकआउट का हिंदी मतलब जाँच करना। वहीं कॉन्टैक्ट लेस का हिंदी मतलब होता है संपर्क रहित। अगला इंग्लिश वर्ड है सर्विस। सर्विस का हिंदी मतलब होता है सेवा। वहीं अगला इंग्लिश वर्ड स्कैन। स्कैन का हिंदी मतलब होता है अवलोकन करना या फिर जांचना या फिर बारीकी से जांचना। बैग। बैग का हिंदी मतलब होता है थैला। एक लॉयल्टी कार्ड्स। लॉयल्टी कार्ड का हिंदी मतलब होता है निष्ठा या फिर ईमानदारी कार्ड। ठीक है स्टूडेंट। मनी ऑफ। मनी ऑफ का हिंदी मतलब होता है पैसों की छूट। जो शॉपिंग करते हैं उसमें पैसों की छूट को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, मनी ऑफ। वहीं रिसिप्ट। रिसिप्ट का हिंदी मतलब होता है रसीद या फिर पावती या फिर प्राप्ति। वाउचर्स। वाउचर्स का हिंदी मतलब होता है वाउचर या फिर रसीद या फिर प्रमाण पत्र। कूपन्स। कूपन्स का हिंदी मतलब होता है पर्चा या फिर कूपन। ठीक है।